हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जर्मन शेफर्ड डॉग ब्रीड के बारे में। आखिर ये डॉग ब्रीड कैसी है, इसमें हम लोग बेसिकली कंपेयर करेंगे एक आपके वर्किंग लाइन के जर्मन शेफर्ड को, दूसरा आपका शो लाइन का जर्मन शेफर्ड, दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि क्या क्राइटेरिया होते हैं डॉग को डिफ्रेंशिएट करते हैं जो वर्किंग लाइन शो लाइन के अंदर। एक तो उनके अंदर आता है ड्राइव का, ड्राइव मतलब वो कितने ज़्यादा एनर्जेटिक है, क्या उनकी हाई ड्राइव है, किस चीज़ में वो बेसिकली। अगर हम बात करते हैं जो पुलिस फोर्स में डॉग इस्तेमाल होते हैं वो एक ही चीज़ में ट्रेन किए जाते हैं, तो स्मेलिंग के लिए करे जाएंगे या अटैक के लिए करे जाएंगे, तो सिंगल सिंगल चीज़ के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन जो मिलिट्री इस्तेमाल करती है वो कोशिश करती है कि एक ही डॉग को दो या तीन चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाए। तो आप वहाँ पे देखते हो कि आपको ज़्यादातर बेल्जियन मैलिनॉइस जर्मन शेफर्ड ही देखने को मिलते हैं, वो भी स्ट्रेट बैक के। स्ट्रेट बैक से मेरा मतलब है कि वो होते हैं वर्किंग लाइन के, जबकि आप शो लाइन के जर्मन शेफर्ड को देखोगे उनमें आपको देखने को मिलता है एक स्लोप जो कि एंगुलेशन कहलाता है। अगर वो एंगुलेशन वाले जर्मन शेफर्ड हैं तो उनकी आपको रेयर जो पैर होते हैं, जो बैक लेग्स होते हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि आपका डॉग जब एज्ड होता जाता है तो उनके वो लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाती है। प्लस वो डॉग ब्रीड ज़्यादा हेल्दी भी नहीं कहलाती। जब अगर हम बात करते हैं पुराने जर्मन शेफर्ड की, तो आप देखोगे उनकी स्ट्रेट बैक होती थी, वो कहलाते हैं वर्किंग लाइन के जर्मन शेफर्ड। उनकी हाई ड्राइव होती है, वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। जबकि मैं बात करता हूँ शो लाइन के जो डॉग्स होते हैं, भले आप कोई से भी डॉग को ले लो, वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप गार्डिंग के लिए डॉग देख रहे थे कोई भी, अगर वो शो लाइन से बिलोंग करता है तो वो शो लाइन का जो डॉग होगा वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होगा, प्लस वो दूसरों के लिए ज़्यादा फ्रेंडली होगा। जबकि हम बात करते हैं गार्डिंग डॉग की, तो वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, साथ में उसमें एग्रेशन होना चाहिए। ये भी ना हो कि वो बेवजह अटैक करे, और ये भी ना हो कि वो चोर आ रहा है तो उसके ऊपर कुछ शो ही नहीं कर रहा। तो इससे ही डिफ्रेंशिएट करते हैं हम जर्मन शेफर्ड एक वर्किंग लाइन का, एक शो लाइन का। बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ तो आपको देखने को मिलेंगे जो डार्क मार्किंग के होंगे, वो लोग कहते हैं कि ये वर्किंग लाइन का जर्मन शेफर्ड है, शो लाइन का नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको उनके एक तो स्ट्रक्चर में फ़र्क देखने को मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया एंगुलेशन होता है, और दूसरे में आपको एंगुलेशन देखने को नहीं मिलता जो वर्किंग लाइन के जर्मन शेफर्ड होते हैं बेसिकली। साथ में आपको एक और चीज़ का फ़र्क देखने को मिलेगा, आप उनके मदर फादर को देखो। जब भी आप वर्किंग लाइन की तरफ जा रहे हो, वर्किंग लाइन में मोस्टली आपको सिंगल कोट या मीडियम कोट तक के ही देखने को मिलेंगे। इंडिया के अंदर आपको लॉन्ग कोट के मोस्टली नहीं देखने को मिलते। और साथ में आप एक चीज़ का और देख सकते हो कि उनके मदर फादर में क्या चीज़ है, क्योंकि अगर आप वर्किंग लाइन का डॉग लेते हो तो आपको एक बार उसके मदर फादर को ज़रूर देखना चाहिए, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाते हैं कि उसके मदर फादर किस क्वालिटी के हैं या कैसे नहीं है। तो इसी के चलते डॉग जंक्शन आप लोगों के लिए एक वेबसाइट लेके आया है पैराडाइज ऑफ पैट के नाम से, जिस पे आप जाके कोई भी पैट को सेल कर सकते हो और कोई भी पैट को बाय कर सकते हो। उधर आपको डायरेक्ट जो सेलर है उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जिससे कि आप बात कर सकते हो और आप देख सकते हो कि आपके लिए वो डॉग सूटेबल है या नहीं है। अगर आपके लिए सूटेबल होते तो आप जाके उधर से बाय कर सकते हो, जिसमें आपको कोई मिडल मैन कुछ नहीं आएगा डायरेक्ट बीच में, आप डायरेक्ट उस सेलर से बात करोगे और सेलर से आप डॉग ले लोगे। तो ये है डॉग जंक्शन का एक इनिशिएटिव, आप ज़रूर सपोर्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे विजिट करके वेबसाइट पे। साथ में अगर आप ऐड पोस्ट करते हो तो बिल्कुल फ्री है, आप टेंशन मत लो, आप डायरेक्ट ऐड पोस्ट कर सकते हो। अगर आप लॉगिन करते हो तो आप अपनी एड्स को मैनेज भी कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट ऐड पोस्ट करना चाहते हो तो आप अपनी डिटेल फिल करो, उसमें आप डॉग की पिक्चर अपलोड करो और डायरेक्ट आप फ्री में ऐड पोस्ट कर सकते हो बिना लॉगिन करे भी। और जो वर्किंग लाइन का जर्मन शेफर्ड होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव होता है, मोस्टली इनका इस्तेमाल किया जाता है गार्डिंग के लिए, और जो शो लाइन के होते हैं उन्हें लोग घर के लिए भी ले लेते हैं कई बार शो के लिए लेते हैं। वर्किंग लाइन वाले को आप गार्डिंग के लिए काफ़ी अच्छा डॉग समझ सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों ही डॉग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन जो वर्किंग लाइन का होगा वो काफ़ी जल्दी जल्दी चीज़ें सीखता है एज़ कम्पेयर टू शो लाइन, क्योंकि जो वर्किंग लाइन के डॉग्स होते हैं उनकी ड्राइव भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज की नीड होती है। लेकिन आपके जो शो लाइन वाले डॉग्स होंगे उनकी एक्सरसाइज रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम होगी वर्किंग लाइन वाले के मुकाबले। तो इस चीज़ को भी आप कंसिडर कर सकते हो जब भी आप डॉग लो जर्मन शेफर्ड या कोई भी, उससे अगर आप वर्किंग लाइन में जा रहे हो या शो लाइन में जा रहे हो, तो एक बारी कोशिश करना कि उसके मदर फादर की पिक्चर देख लो या फिर एक बारी जानकारी निकलवा लो। तो ये चीज़ हो जाती है जिससे कि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि कई बारी क्या होता है कि दोनों का मिक्स कर देते हैं शो लाइन और वर्किंग लाइन का, और फिर आपको दे देते हैं, जिसमें आपका कुछ नहीं बन पाता, ना तो वो शो लाइन की तरफ जा पाता ना वो वर्किंग लाइन का बन पाता प्रॉपर। तो इस चीज़ का भी आप देख सकते हो, ज़रूर मदर फादर की फ़ोटो चेक करना जब भी आप पपी लो, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि आपका डॉग किस कैटेगरी में जा रहा है। और आप लोग कमेंट्स में बताना कि आपके पास कौन सा जर्मन शेफर्ड है, वर्किंग लाइन का या फिर शो लाइन का, जिससे कि बाकी लोगों की हेल्प हो पाए। और आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि
हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर काफ़ी जल्दी हिट कर लेंगे आपके एक एक सब्सक्राइब के साथ ही। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।